हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरी। मेरा नाम है सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लीड कंपनसेटर। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में या फिर अदर पीएसयूज के एग्जाम्स में भी। अगर बात करें गेट की तो गेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोल जीरो डायग्राम ऑफ लीड कंपनसेटर। पोल जीरो डायग्राम ऑफ लीड कंपनसेटर अगर उसे हम ड्रॉ करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये एक जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे जीरो होता है नियर टू दी ओरिजिन। ओके, जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं इसका रिस्पांस ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे इस तरह से। सपोज एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास जिसका रिस्पॉन्स है हमारे पास ये। ओके, अब अगर इस सिस्टम में हम एक्स्ट्रा जीरो सेट करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है सिस्टम में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम किसी सिस्टम में एक्स्ट्रा जीरो ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। जीरो ऐड करने पर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो हो जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ब्लैक लाइन में, यह है सिस्टम का रिस्पॉन्स आफ्टर एडिंग जीरोस। आप देख सकते हैं सिस्टम का जो राइज टाइम है वो यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। इसे हम डिनोट करते हैं टी आर से। पहले जो राइज टाइम था सपोज ये है टी आर डैश, तो यहाँ पे ये टी आर डैश ज़्यादा था। टी आर डैश इज ग्रेटर देन टी आर, तो राइज टाइम यहाँ पे कम हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें तो पीक ओवरशूट यहाँ पे बढ़ चुका है एंड सेटलिंग टाइम यहाँ पे कम हो चुका है। सेटलिंग टाइम को हम डिनोट करते हैं टी एस से, जो कि हो चुका है कम। अब अगर बात करें लीड कंपनसेटर के रिस्पांस की तो लीड कंपनसेटर का रिस्पांस इससे कुछ मिलता जुलता होगा लेकिन सेम ऐसा नहीं होगा। इससे मिलता जुलता मतलब मैं इसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम पेन का कलर डिफरेंट चूज कर लेते हैं। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो कलर है इससे जो मैंने रिस्पांस ड्रॉ किया हुआ है वो है हमारा रिस्पांस लीड कंपनसेटर के लिए। तो आप देख सकते हैं लीड कंपनसेटर का रिस्पांस ये वाले रिस्पांस से मिलता जुलता है क्योंकि हम लीड कंपनसेटर में भी एक जीरो ऐड कर रहे हैं जो कि है नियर टू दी ओरिजिन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइज टाइम डिक्रीज हो चुका है, सेटलिंग टाइम डिक्रीज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ पीक ओवरशूट भी हमें डिक्रीज्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। फर्स्ट पॉइंट है इन लीड कंपनसेटर राइज टाइम इज डिक्रीजेस, राइज टाइम इज डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट है इन लीड कंपनसेटर सेटलिंग टाइम ऑल्सो डिक्रीजेस, सेटलिंग टाइम ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब है सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो हो जाएगा फास्ट, मतलब हमें फास्ट रिस्पांस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ट्रांजिएंट रिस्पांस की तो लीड कंपनसेटर में हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस फास्ट मिलता है, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पांस हमें इम्प्रूव्ड मिलता है। लैग कंपनसेटर में हमने देखा था हमें स्टडी स्टेट रिस्पांस इम्प्रूव्ड मिलता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है लीड कंपनसेटर में? हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस इम्प्रूव्ड मिलता है। ओके, सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो होता है फास्ट रिस्पांस। लैग कंपनसेटर में हमने देखा था सिस्टम का जो रिस्पांस हमें मिल रहा था वो मिल रहा था स्लो रिस्पांस। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पीक ओवरशूट हमें डिक्रीज मिलता है। ओके, पीक ओवरशूट हमें डिक्रीज मिलता है, एमपी डिक्रीज मिलता है हमें। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोल जीरो डायग्राम से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में या फिर अदर पीएसयूज के एग्जाम्स में। इसके बाद कुछ और कंसेप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो चुका है। जो सिस्टम का गेन मार्जिन और फेस मार्जिन होता है ये भी लीड कंपनसेटर में इम्प्रूव्ड मिलता है हमें। ओके, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज्ड होता है। इसके बाद कुछ और कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमने देखा था लीड कंपनसेटर में लीड कंपनसेटर बिहेव लाइक एज अ हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। अगर हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ कर सकूं यहाँ पे तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये रिजेक्ट करता है लोअर फ्रिक्वेंसी को एंड अलाउ करता है हाईअर फ्रिक्वेंसी को। तो इसका जो बैंड डायग्राम है वो बनेगा कुछ इस तरह से।
ये है स्टॉप बैंड और ये है पास बैंड। हाईर फ्रीक्वेंसी को हाई पास फिल्टर अलाउ करता है। तो जब हाईर फ्रीक्वेंसी को हाई पास फिल्टर अलाउ करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडविड्थ हमें मिल रही है नियर टू इन्फिनिटी। अगर आइडियली हम बात करें तो बैंडविड्थ हमें मिलती है इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ हमें मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो इन हाई पास फिल्टर बैंडविड्थ हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है, मतलब इन लीड कंपनसेटर भी हमें बैंडविड्थ मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, इन लीड कंपनसेटर बैंडविड्थ इज इंक्रीज्ड। ओके, इसके बाद जब बैंडविड्थ बढ़ रही है तो यहाँ पे नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था लैग कंपनसेटर में किस तरह से बैंडविड्थ हाई होने पे नॉइज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे नॉइज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। नॉइज़ इंक्रीज होने का मतलब है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पुअर होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइज़ है डिनोमिनेटर में, जब नॉइज़ इंक्रीज होगा तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमारा डिक्रीज होगा, जो कि एक अनडिजायर्ड कंडीशन है सिग्नल के लिए। तो सेकेंड यहाँ पे जो पॉइंट है जो आपको नोट करना है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज डिक्रीज इन लीड कंपनसेटर, जो कि एक ड्रॉबैक है, इसे हमें फिक्स करना होता है लीड कंपनसेटर यूज़ करने के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। यहाँ पे हमें एटीन्यूएशन देखने को मिल रहा था लीड कंपनसेटर में, ये भी एक ड्रॉबैक है, इससे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट नोट करना है, लीड कंपनसेटर में हमें देखने को मिलता है एटीन्यूएशन। लीड कंपनसेटर क्रिएट्स एटीन्यूएशन इन द सिस्टम, इसे एलिमिनेट करने के लिए हमने इक्वलाइजर यूज़ किया हुआ था, किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में या फिर अदर पीएसयूज के एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो सिमिलर होता है पीडी कंट्रोलर के, पीडी कंट्रोलर। नाउ व्हाट इज़ दिस कंट्रोलर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो लीड कंपनसेटर होता है वो एक्ट करता है पीडी कंट्रोलर की तरह। इसके अलावा शायद और कोई पॉइंट है नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गेट ईसी का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।